हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला जिस चैनल पे आपको नीट टू थर्न ट्वेंटी फोर के लिए बायोलॉजी एन को पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली में पढ़ाया जा रहा है वन शॉट वीडियो चल रही है जिसमें कि हम चैप्टर को पूरा एक, एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा क्या पेपर में पूछेंगे क्या कहाँ से आएगा नीट क्या पूछ रहा है आजकल वो मैं बताऊँगा आपको बस एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना इससे पहले मैंने ट्वेल्थ क्लास की सारी वीडियो बना दी एक चैप्टर और रह गया ह्यूमन हेल्थ ये लास्ट चैप्टर होगा इसके बाद इसके बाद एक और आएगा ह्यूमन हेल्थ वाला और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और इलेवंथ क्लास के पाँच छः चैप्टर हो चुके हैं जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी अगर आप बस एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू सो मच पूरी देखोगे अगर तो नहीं देखोगे तो भी थैंक यू है कोई बात नहीं तो करते हैं शुरू वीडियो को ज़्यादा बातें नहीं करते हैं चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लास्ट चैप्टर वाली लास्ट वाली यूनिट है उसमें से पहला चैप्टर है तो इसमें एक चीज़ यह है कि इसमें इस बार कुछ कट गया है मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें शुरुआती चीज़ें काट दी गई हैं सिलेबस में नहीं है तो हम वहीं से नई वाली एन शुरू करने वाले हैं जिसमें पॉपुलेशन से शुरू होगा ठीक है ना तो चलते हैं शुरू करते हैं यहाँ लिखा है आर लिविंग ये पैराग्राफ पहले वाली एन में भी ऐसा ही था यहाँ लिखा है कि आर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिंग इट प्रोसेस एट वेरियस लेवल टू बायोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन यहाँ से आपको ये याद करना है ऐसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर के सेल बनाते हैं सेल मिलकर टिशू बनाती है टिशू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन पॉपुलेशन से, 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 से कम्युनिटीज़ बनती हैं और इकोसिस्टम बनता है कम्युनिटीज़ से फिर बायोम्स तो मे बी ऐसे पूछ सकते हैं कि काफ़ी सारी कम्युनिटी मिल के एक इको बनाती है ऐसा At any level of biological organization, we can ask two type of questions. For example, when we hear the bulbul singing in early morning in the garden, we may ask how does the bird sing? How wide? Why does the bird sing? Then how type questions seek the mechanism behind the process. Why type questions seek the significance of the processes? For the first question in our example, the answer might be in terms of the operation of the voice box. Voice box cook at syrinx And the vibrating bone in the bird, and the furcula. I think it is. And where it is whereas for the second question the answer may be lie in the bird need to communicate with this mate during the breeding season when you observe nature around you with a scientific frame of mind you will certainly come up with the many interesting questions to of both type like why are night blooming flowers are white and how does the bee be know the partner and the, uh, know the nectar and why does the cactus have so many thorns how does the chicks spurs रिकोगनाइज हर ओन मदर तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सब जानने की कोशिश करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको खोजने होंगे अब यहाँ शुरू होता है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेज दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वामेंट इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्ड विद द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ सवाल बना लेंगे कि किस किस लेवल पर इकोलॉजी जो है वो आपकी कंसर्ड करती है जैसे कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर पॉपुलेशन लेवल का कम्युनिटीज़ पर और बायोम पर मैं आपको बता दूं पहले चैप्टर में ऑर्गेनिज्म लेवल की भी बात थी अब केवल और केवल पॉपुलेशन की बात हो रही है ना तो इससे अब कम्युनिटीज़ और बायोम यहाँ नहीं पहले से ही थे पहले यहाँ ऑर्गेनिज्म था और पॉपुलेशन था अब खाली पॉपुलेशन के बारे में ही बात होगी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में बात होगी ये वाली चीज़ें चलेंगी इसमें तो हेडिंग है हमारा पॉपुलेशन <coughs> पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पहला सवाल यहीं से मिलता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो सिंगल इंडिविजुअल वो एट्रीब्यूट्स नहीं शो करता जो कि पॉपुलेशन शो करती है जैसे कि सेक्स रेशियो जैसे कि बर्थ रेट जैसे कि डेथ रेट ये तीन चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी लिखा है कि इन नेचर वी रेयरली फाइंड एन आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एन स्पीसीज मेजारिटी ऑफ दैम आर लिविंग अ ग्रुप एज अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज पोटेंशियली इंटरब्यूट एन दस कॉन्स्टिट्यूटिव पॉपुलेशन तो जो आपस में इंट्रीब्यूट करते हैं वो मिलकर के एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं Although the term interbreeding implies sexual reproduction, and a group of individuals resulting, resulting from the रिजल्टिंग फ्राम द ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो फॉर्मिंग ए पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि सेक्सुअल ही पॉपुलेशन बनाते हैं ए सेक्सुअल ही पॉपुलेशन बनाते हैं लिखा है कि जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज ऑल दल दॉर्मोर एंड इन वेट लैंड ये एक पॉपुलेशन है in इन dwelling ये भी एक पॉपुलेशन है एंड टीक वुड ट्रीज इन ए फॉरेस्ट tract. बैक्टीरिया एंड कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन ए पोट आर सम एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलेशन इन अर्ली चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल दो एन इंडिविजअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू कॉप विद ए चेंज इन इनवायरमेंट इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवोल्ड फेट पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर एन इम्पोर्टेंट एरिया बिकॉज ऑफ लिंक ऑफ इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन अब पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें से यहाँ आप कुछ पढ़ोगे जैसे कि एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ और डेथ बट ए पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो दो तो ये हुए एन ए पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू द पर कैपिट ऑफ बर्थ एंड डेथ पॉपुलेशन में ये पर कैपिट ऑफ बर्थ पर कैपिट ऑफ डेथ देखा जाता है एंड द रेट हैज एक्सप्रेस एड चेंज इन नंबर इनक्रीज डिग्रीज विध रेस्पेक्ट टू द मेबर ऑफ़ द पॉपुलशन हेयर इज एन एग्जाम्पल यहाँ से नीट में सवाल आया था बहुत आसान था कुछ करना नहीं होता बच्चे पता नहीं क्यों नहीं करते ये बहुत आसान है ध्यान से देखना लिखा है कि इफ़ ए पॉन्ड है ट्वेंटी लोटस प्लांट लास्ट ईयर ऑन थ्रू एन रिप्रोडक्शन एट न्यू प्लांट आर एडिट नए आठ और नए प्लांट हो गए हैं पहले बीस थे तो ये कहेंगे कि रेट क्या है बर्थ रेट एट अपॉन्ट ट्वेंटी बस इतना करना है एट अपॉन्ट ट्वेंटी करोगे तो बर्थ रेट बी निकल के आपके सामने आ जाएगा स्मॉल बी की ये बात हो रही है और ये डायरेक्ट निकाला जा रहा है बी ठीक है ऐसा ध्यान रखना एंड <coughs> लिखा है ऑफिंग पर लोटस पर ईयर पर लोटस पर ईयर एंड इफ फोर इंडिविजुअल लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फोर्टी फ्रूट फ्लाई थी उसमें से चार मर जाती हैं तो ये कितना होगा डेथ रेट पॉइंट वन होगा ठीक है पर वीक तो बस ये यहाँ पर आपको बी निकालना सिखा सिखाया गया है बी मेज टू से दैट बर्थ रेट एंड डी मेज टू से दैट डेथ रेट इससे एक सवाल आएगा यार बहुत आसान होगा कर देना यार है ना देखा है अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेचो एन इंडिविजुअल इज आदर ए मेल और फीमेल बट ए पॉपुलेशन एज सेक्स रेशो एंड सिक्सटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड फोर्टी परसेंट ऑफ मेल इस तरह से होता है ठीक है अब एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस इफ द एज इज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजल ऑफ ए गवन एज और एज ग्रुप इज प्लोटेड अगेंस्ट द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एज पिरामिड तो यहाँ पर हम एज पिरामिड पढ़ेंगे तीन तरह के उनसे कुछ सवाल आएंगे मैं बताऊंगा फॉर ह्यूमन पॉपुलेन द एज पिरामिड जनरली शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द डायग्राम बोर्ड में आया था इस बारे सवाल ठीक है द शेप ऑफ़ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर द वेदर इज ग्रोइिंग स्टेबल और डिक्लाइन तो तीन तरह के आप यहाँ पॉपुलेशन कारो पढ़ने वाले हो पॉपुलेशन ग्राफ पढ़ने वाले हो एक होता है ग्रो करने वाला है एक होता है स्टेबल एक होता है डिक्लाइनिंग जिसमें की कम हो रही होती है ग्रोथ तो यहाँ पर देखते हैं तीनों के फोटो इस फोटो से आपको इस तरह के सवाल मेरे ख्याल से बनाए जाएंगे जैसे कि आपको ये पूछेंगे लिख के पूछा था बोर्ड में तो मेरे ख्याल से <clears throat> लेकिन यहाँ नीट में पूछेंगे कुछ भी ऐसा तो जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं और फिर रिप्रोडक्टिव उससे कम और प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम होते हैं वो पॉपुलेशन अब ग्रो कर रही होती है ऐसा जो ट्राइंगल टाइप का ये जो आपका पिरामिड टाइप का शेप बन गया है ये है आपका एक्सपैंडिंग ग्राफ तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव मेम्बर ज़्यादा होते हैं ध्यान रखना फिर आपका स्टेबल स्टेबल में आप ध्यान से देखोगे स्टेबल में पो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर होते हैं तो दोनों ही बराबर लगभग होते हैं तो ये आपकी कहलाएगी स्टेबल मतलब उतने मेंबर रहने वाले हैं इसमें लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे भैया तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्री रिप्रोडक्टिव कम हो रहे हैं और फिर पोस्ट रिपोक्टिव भी कम है और बीच में एक बार बढ़े थे तो ये अभी थोड़े दिन बाद मर जाएंगे लेकिन अब ये ग्रो नहीं कर रही है इसका मतलब क्योंकि पीछे वाले कम हो गए तो ये डिक्लाइनिंग है यहाँ से कभी कभी नीट में पूछते हैं स्टेबल का शेप पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे बेल शेप किसका है डायग्राम तो आप बताओगे ये अगर आपसे पूछेंगे अर्न शेप यू आर एन अर्न शेप या फिर स्पिंडल शेप पूछेंगे तो आप बताओगे कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ स्पिंडल शेप होता है ठीक है बस इतना आएगा फिर लिखा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल एस ए लूट अबाउट इट्स स्टेटस इन द दैबिटेड वट इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विच टू इन्वेस्टिगेट इन पॉपुलेशन बी इट द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीसीज ये रहे हैं कि जो भी पॉपुलेशन के सथ, जितने भी मेम्बर आप देख रहे होते हो वो कैसे आए हैं क्या वो कंपटीशन से बने है? मतलब जो कंपटीशन हुआ होगा पहले फिर जो बचे हैं वो बच गए हैं ऐसा हुआ होगा द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर ऑफ द इफेक्ट या फिर वहाँ प्रेडेटर का इम्पैक्ट है या फिर पेस्टिसाइड जो डाला है वो है मतलब ये सब चीज़ें देखो ऐसा है किसी भी पॉपुलेशन पर तीन तरह की चीज़ें चलती होती हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है उसके पास इन्वायरमेंट से लड़ना होता है कॉम्पटिशन होता है उसका आपस में अपनी जाति के सदस्य जो होते हैं उनसे उसको कम्पीट करना होता है और दूसरी जाति के सदस्य से भी उसको कम्पीट करना होता है तो तीन तरह का तीन तरह का कॉम्पिटिशन है एक है इंट्रास्पेसिफिक एक है इंटर स्पेसिफिक एक है इन्वॉर्मेंटल कॉम्पिटिशन ठीक है लिखा है वी ऑलवेज दैम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन टेन साइबेरियन फ्रेंस इन भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर और गोइंग टू मिलियन क्लीमायडो मुनास इन ए पॉइंट पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी तो यहाँ नीचे आपको पता क्या मिलेगा यहाँ नीचे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पाँच चार तरीके बताएं तो उनमें से भी एक सवाल बना लेते हैं तो ध्यान से हम पढ़ेंगे आएगा ये ठीक है देखो <coughs> देखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को एन सी डिनोट करते होते हैं नीड नॉट टू बी नेसेसरी मेजर इन नंबर ये कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर से ही नापोगे नंबर हमेशा काम की चीज नहीं होते या कुछ जगह पर बायोमास का यूज भी करते हैं कुछ जगह पर हम अलग तरीके भी यूज करते हैं जो बताए जाएंगे ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज इन सम केस आई अदर मीनिंग डिफिकल्ट टू डेट रिमाइंड इन एन एरिया इफ देर आर टू हंड्रेड कैरेट ग्रास पारथीनियम इसफोरस यहाँ से आपको पारथीनियम का बायोलॉजिकल नाम याद करना है समझ आए ना ये पूछेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा पेपर में एंड प्लान बट ओनली ए सिंगल यूज बेनियन ट्री विद लार्ज कैनो पी टाइटिंग दैट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बेनियन इज लो रिलेटिव टू दैट करट ग्रास अमाउंट ऑफ फंडिंग द अर्मस रोल ऑफ बेनियन ट्री दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है एक वहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है उसके नीचे छोटे छोटे 200 सौ ग्रास हैं कैरेट ग्रास लगा हुआ है तो ज़्यादा डेंसिटी किसकी मानी जाएगी नंबर देखो तो इसकी होगी कैरेट ग्रास की पर ये कह रहे हैं कि आप देखो प्रोडक्टिविटी उस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी बैनियन ट्री की होगी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बायोमास को एक अच्छा तरीका मानेंगे डेंसिटी का तो यहाँ लिखा है कि स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज़ लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट क्रास अमाउंट टू एंडस्टिमेटिंग द नॉर्मस रोल ऑफ द बेनियन इन दैट कम्युनिटी इन सच केस इज द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज समझ आई यहाँ बायोमास लेंगे फिर लिखा है टोटल नंबर जगह नोट इजीली एडेप्टल मेजर इफ़ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इंपॉसिबल जैसे आप बैक्टीरिया की कॉलोनी में बैक्टीरिया तो गिन नहीं सकते ना वहाँ क्या लोगे वहाँ बायोमास ही लोगे एन एन ए पैटर्डिश वट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट द डेंसिटी समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देर इज नो नीड टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर आपको हमेशा एब्सोल्यूट नंबर नहीं जानने होते लेकिन अगर आप रिलेटिव नंबर जान लेते हो तो ये इसी से आपका काम चल जाता है कह रहे जैसे कि आपको एक तालाब में मछलियाँ पता करनी है तो वो आप एक्चुअल तो नहीं जान पाओगे लेकिन वहाँ पर हम पर ट्रैप के हिसाब से जान लेंगे कि भाई एक बार ट्रैप किया था तो एक बार ट्रैप करने में हमें इतनी मिली हैं और दूसरी बार अगर मतलब इतना एरिया में इतनी है तो इतने में कितनी होगी वैसे इसका मेथड है एक वो आपको नहीं सिखा सकते पर फिर भी आप ऐसे समझ लो कि इतने एरिया में इतनी में तो उतने एरिया में इतनी होगी ऐसा एंड वी आर मोस्टली ओबलाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इन डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम और सींग दैम द टाइगर सेंसस इन अर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन ओफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट ये भी एक क्वेश्चन है कि टाइगर के सेंसस कैसे निकालते हैं तो आप बताओगे पग मार्क्स और फीकल पैलेट के अकॉर्डिंग उसको निकालते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ The size of the population for any species is not a static parameter; it keep changing with time. And depending on the various factors, including food availability, predation pressure, and adverse weather, in fact, it 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 is these change in population density that give us some idea what is happening to the population. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप population की density का population growth का पता करते रहें, तो आपको पता लगेगा कि कितना competition है, कितना खत्म हो रही है, कितना कम हो रही है, क्या-क्या वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जान लोगे। Weather is flourishing or declining? <coughs> वट एवर माइड विद द अल्टीमेट रीज़न द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएटिंग टू चेंज इन फोर बेसिक प्रोसेस तो भैया देखो ये चार चीज़ें हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कमियाँ ज़्यादा करते हैं जिसमें आप पढ़ोगे जन्म लेना मरना या कहीं से बाहर से मेम्बर्स का आना या यहाँ से जाना ई माइग्रेशन इमीग्रेशन बर्थ और डेथ मतलब मोटेलिटी और नेटेलिटी ये चार चीज़ें पढ़ाई जाएंगी देखो पहले डाइग्राम देखो इस डायग्राम में आपको मिलेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा है बीच में ये दो चीज़ें प्लस कर रही हैं इसको ये दो चीज़ें माइनस कर रही हैं दैट मीन्स ऐसा है कि जो इमिग्रेशन है इमिग्रेशन मतलब तो बाहर से मेम्बर उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो वो उसको पॉजिटिव करेंगे मतलब तो उसको बढ़ाएंगे और जो नेटेलिटी जो जन्म हो रहा है वो भी उसको बढ़ा ही रहा है और जो मोर्टिलिटी हो रही है वो घटा रहा है और जो इमिग्रे ई माइग्रेशन है वो भी घटा रहा है मतलब दो चीज़ें उसको कम करती हैं जो चीज़ें बढ़ाती हैं यही चार पैरामीटर हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जिन पर डिपेंड करती है देखो क्या लिखा है कि नेटेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ये ध्यान रखना ये बढ़ाती है मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ इमिग्रेशन बाहर से लोगों का आना ई e माइग्रेशन जाना इसमें एक चीज़ ध्यान से पढ़ो जो इसमें दी गई है जैसे कि इमिग्रेशन लिखा है कि सेम स्पसीज ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देना इस पर ठीक है ध्यान देखना दैट हैव टू कम इन टू दबिटेड फॉर एल्स वेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कंसिड्रेशन ई माइग्रेशन क्या है पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गो एन एल्स वेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड तो ये ध्यान रखना उसी स्पीसीज के गए उसके आए इसकी बात हो रही है एक फॉर्मूला है यहाँ थोड़ा फर्जी सा ही है ज़्यादा अच्छा नहीं है ये कह रहे कि टी मतलब इतने टाइम बाद पॉपुलेशन तो कैसे लोगे जैसे एन टी मतलब आज की तारीख में पॉपुलेशन जो है और इतने टाइम बाद क्या होगी तो प्लस बी प्लस आई मतलब ये दोनों आपको उसको बढ़ाएंगे पॉजिटिव है और डी प्लस ई इसको निगेटिव इम्पैक्ट देते हैं तो इनको बी बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई कर दोगे तो प्लस टोटल पॉपुलेशन में जोड़ दोगे तो आपको आज की पॉपुलेशन मिल जाएगी ठीक है यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमाइ्रेंट्स इमिग्रेंट्स इज मोर दैन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉर्मली तो बर्थ और डेथ जो है वही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन अब अगली लाइन जो है पूरी की पूरी लाइन मेरे को लगता है ये नीट में आएगी मार्क करो फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बींग कॉलोनाइज अगर कहीं पर नया हैबिटेट कोलोनाइज हुआ है तो वहाँ पर क्या ज़्यादा अच्छा होगा जैसे कि इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ तो यही यार ये लाइन मेरे को पक्का लगती आएगी अगर एक नई कॉलोनी बसाई गई है तो वहाँ पर इमिग्रेशन जो है वो एक बढ़िया पैरामीटर है जो उस पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएगा ना कि बर्थ रेट क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जाकर के वहाँ बर्थ हो जाएगा एकदम से इतने लोग तो नहीं बर्थ ले सकते ना <coughs> ये वाली बात है तो इसको ध्यान रखना मुझे लगता है ये सवाल बन सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल दो बताए गए हैं एक तो एक्सपोनेंशियल है एक आपका है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तो दोनों पढ़ेंगे ध्यान से सवाल एक आधा आ ही जाएगा ठीक है देखो लिखा है डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाईट अर कंट्री and it is therefore natural for us to be curious to different animal population in nature behave the same way or show some restraints on growth <coughs> perhaps we can learn lesson or two from nature on how to control the population growth next exponential growth exponential growth में होता है क्या है कि मतलब आप समझने कोशिश करो exponential growth कहीं होती तो होगी नहीं क्योंकि यार लगातार growth कहाँ होगी इतना खाना पीना कहीं है नहीं nature में तो इतना खाना पीना होता ही नहीं नेचर इतना अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं करती तो ये कहाँ होगा ये बैक्टीरिया की कॉलोनी में ही संभव है मतलब एक बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको लगातार मीडियम दिया जा रहा है तब की बात है मीडियम दे खाना दे रहे हो दे रहे हो तो वो लगातार फ्लोरिश करती रहेगी तो ये एक हाइपोथेटिकल सी बात है देखो देखा है कि रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन आइडियली देखो इतना अच्छा लिखा है कि फूड और स्पेस चाहिए होता है मेन बात तो यही है एंड आइडियली वैन रिसोर्स इज दबिटेट अनलिमिटेड अब आइडियल बात यह है कि अनलिमिटेड है रिसोर्स सॉरी आर अनलिमिटेड ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इन नेट पोटेंशियल सब ग्रो करेंगे सब बच्चे पैदा करेंगे टू ग्रो इन नंबर एंड डारविन ऑब्जर्ड वाइल्ड डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन डारविन ने यही कहा था कि भैया सबके अंदर इननेट पोटेंशियल है संतान पैदा करने का और खाना पीना पूरा है तो उनमें से फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा लेकिन भाई इतना खाना पीना आएगा कहाँ से ऐसा देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन इफ इन ए पॉपुलेशन साइज ऑफ एन द बर्थ रेट नोट टू बी नंबर ऑफ पर कैबिट ऑफ बर्थ आर रिप्रेजेंटेड बी एंड डेथ रेट रिप्रेजेंटेड डी देन द और इनक्रीज्रीज इन एन ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड टी डी डी एन अपन डी टी मतलब चेंज आप देख रहे हो तो डी एन पॉन्डी टी बी माइनस डी इन टू एन बी माइनस डी बर्थ रेट माइनस डैथ रेट को निकाल करके आपके पास आर आ जाएगा आर किसी भी कॉलोनी का किसी पॉपुलेशन का जो है वो आपका जिस पोटेंशियल इसको मान लो आप अगर कहीं आर ज़्यादा हो रहा है मतलब आर ज़्यादा हो रहा है तो बी ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स वहाँ ज़्यादा संतान पैदा हो रही है और वो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी जितना ज़्यादा आर होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो करेगी इस बात को आप ध्यान रखना ठीक है ये समझने की बात है ऐसे ही फिर यहाँ पर लिखा है कि द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंटरेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ ये पूछ सकते हैं नीट वाले कि आर क्या है तो इंटरेंसिक रेट ऑफ़ नेचुरल इंक्रीज़ ये कहते हैं और एक तरह का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ही है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ़ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज है ये एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑन एनीबाटिक और, और एबायोटिक फैक्टर आप इससे पता भी लग सकते हो लगा सकते हो कि कैसा प्रभाव पड़ रहा है तो आर ज़्यादा है तो सही है सब कुछ आर कम है तो थोड़ा दिक्कत है टू गिव यू सम एन आइडिया अबाउट द मैगनीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर द नॉर्वे रेट ये याद कर लेना अगर करनी है तो आपको नॉर्वे रेट के लिए पॉइंट जीरो वन फाइव है एंड फ्लोर बिटल पॉइंट वन टू इन नाइनटीन एटी वन द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन पॉइंट जीरो टू जीरो फाइव आज की तारीख में कह रही गूगल से आप कैलकुलेट कर लेना देख लेना एक बार फॉर कैलकुलेटिंग यू डी टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट द अबाउ क्वेश्चन डिस्क्राइब द एस्पोरेंशियल और ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉर द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन जे शेप कर्व ये सवाल आपसे पूछेंगे एक्सपोनेंशियल वाले का कर्व कैसा होता है तो आपका आंसर होगा सीधा सीधा आंसर है जे शेप कर्व होगा उसके बाद लिखा है वैन ए प्लोट एंड इज रिलेशन टू टाइम इफ यू फेमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन ड्राइव द एंटिकल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन तो ये आप एक बार देख लेना इस पर एक क्वेश्चन दिया गया आप उसमें थ्योरी में एक क्वेश्चन है उसको करके देखना एक बार ध्यान से उस पर सवाल बन सकता है पर नीट ने कभी उस पर सवाल पूछा नहीं है ठीक है ऐसा है अगर लिखा है एन क्या है एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एंड नोट क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी एफ टाइम जीरो और आर फिर से वही है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ई द बेस ऑफ नेचुरल टू पॉइंट सेवन एट टू एट ठीक है इसको याद कर लेना अगर सवाल बनाने को आए तो एक बार देख लेना करके बन जाएगा शायद से ठीक है एन स्पेसीज ग्रोइंग एक्सपोनशियली अनलिमिटेड रिसोर्स कोई भी स्पेसिज जब अनलिमिटेड रिसोर्स के उसमें ग्रो कर रही होगी कंडीशन में तो वो सारी पॉपुलेशन ही छोटे समय बना देगी तो जबकि ऐसा नहीं है अगर डार्विन की मान लो तो भैया इतने बच्चे हो जाते पैदा जिसकी कोई हद ना होती पर ऐसा नहीं होता पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल ही रहती है एक आधी जगह छोड़ दे ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि यार रिसोसिस ना अवेलेबल नहीं है उतने ज़्यादा कम रिसोर्स अवेलेबल है ये वाली बात है ठीक है और ये जे शेप कर जरूर याद रखना बाकी कुछ करो ना करो जे शेप ना भूल जाना ठीक है ये सवाल आएगा पेपर में फिर यहाँ पर लिखा है थोड़ी सी एक बात कि डार्विन जो है डार्विन ने कहा था कि हाथी अगर मैं बताऊँ आपको इसके पीछे कहानी है सात सौ पचास साल तक अगर हाथियों की जो संख्या बढ़ती रही लगातार उनके अंदर फुल इनिट पोटेंशियल हो खाने पीने के मजे आ रहे कोई चक्कर नहीं है और मतलब फूल खा रहे आती तो सात सौ पचास साल में धरती पर हाथी हाथी हो जाएगा ऐसे ऐसी बात है पर ऐसा है तो है नहीं ना तो ये एक नॉर्मल सी ऐसी लिखी हुई बात है डार्विन ने बताई थी लिखा है कि एनिमल लाइक एलिफेंट कुड़ रीच ए नंबर इन द एबसेंस ऑफ चेक्स अगर कुछ भी दिक्कत ना हो तो बस हाथी हाथी हो जाएंगे एंड द फॉलोइंग इज एन एक्टोट एक कहानी आगे दी गई है जो बताती है एक्सपोनेंशियल कैसे बढ़ता है कहानी आप पढ़ के देख लेना समझ आएगी ठीक है ऐसी फालतू कहानी है पढ़ लेना नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये कहता है बाबू इस आप पीछे ग्राफ में एक बार थोड़ा देख लो इससे सवाल बना लेंगे देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन की किसी भी एरिया की किसी भी रिसोर्स की किसी भी जगह की हैबिटेट की एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है मतलब वो उतना ही कैरी कर सकता है उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं उससे ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए वहाँ जग, जगह नहीं है खाना नहीं है तो वो उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता तो नेचुरल बात एक्चुअल में रियल बात यही है कि हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी है एक होल में पचास लोग बैठेंगे तो पचास ही बैठेंगे अगर वहाँ पचास सौ बैठ रहे हैं तो वो दूसरों को पिटेंगे या कुछ करेंगे तब बैठेंगे ठीक है ऐसा सीन है तो ये कैरिंग कैपेसिटी है इसको ध्यान रखना मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले ग्रोथ थोड़ी बढ़ती है उसके बाद यहाँ के बाद ज़्यादा ग्रोथ नहीं बढ़ती यहाँ के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है ऐसा है स्टेशनरी आ जाता है ठीक है तो शुरुआत में लैग फेज है लोक फेज है फिर उसके बाद स्टेशनरी फ़ेज है अगर आगे रिसोर्स नहीं है तो डेथ है इसके बाद इधर जाओगे तो डेथ हो जाएगी ठीक है ये वाली बात है तो यहां पर आपको मिल गई कैरिंग कैपेसिटी तो इस पर ही सवाल बनाएंगे ये इस पर सवाल बन जाता है आगे अभी दिखाऊंगा देखो यहाँ लिखा है कि नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसि नेचर हैज इट्स इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्स ग्रोथ एंड दिस लीड टू कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स सही बात तो यही है रिसोर्स लिमिटेड है उसके बीच में कॉम्पिटिशन होना तय है एंड इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल फिटेस्ट बाबू होते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फिट वो हैं इंडिविजुअल विल सर्वाइव ऑन द प्लेन रिप्रोड्यूस एंड द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्री हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस टू दैट ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इन नेचर यहाँ से बात करूँ नेचर अ गिवन हैबिटैट हैज इट्स इनअ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल उसके बाद ग्रोथ नहीं हो सकती उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बाद ग्रोथ नहीं हो सकती भाई ये सपोर्ट ये समझने की बात है एंड अब पॉपुलशन ग्रोइंग इन एन हैविटेड विध लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली लैक फेज शुरुआत में लैक फेज शो करेगी उसके बाद वो एक्सपरेंशियल करेगी शो उसके बाद डिकलेसन एंड फाइनली एस इमटोट तो ये मीट में आने वाली बात है इसको मार्क करो ए पूछते हैं ए सम टोट क्या है इसे जरूर मार्क कर लेना भाई बढ़िया सवाल बनता है ये कह रही है वैन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू कैरिंग कैपेसिटी जब के जो है वो इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो वो है आपका क्या कहलाएगा ए कहलाएगा ठीक है तो अगर आप यहाँ भी देखो के इजक्वल टू एन हो जाएगा तो मान लो टेन माइनस टेन अपॉन टेन तो समझ लो क्या होगा तो ये सब जीरो हो जाएगा इधर वाला फिर बचेगा आर एन बस ठीक है ये ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ लिखा है वैन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू द कैरिंग कैपेसिटी तो ये एक ए होता है मतलब अब और नहीं आ सकते नो इंडिविजुअल विल गेट इन टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट एट और नहीं सपोर्ट होंगे उसके बाद वाले अपलोड ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट इन सिग्मॉइड कर्व एक सवाल ये आता है जैसे पीछे जे शब जे शेप वाला सवाल आएगा यहाँ पे आएगा सिग्मॉइड कर्व वाला क्वेश्चन ठीक है दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वर्ल्ड हर्प लोइ ग्रोथ कर्व ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है आप मार्क कर लेना एंड द ये ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना बाबू इस पर सवाल तो आएंगे नहीं तो ये आप समझ लेना कि जब ये जब ए सिम टोट होगा तो डी टी एन डी एन बोन डी टी इज्वल टू आर एन हो जाएगा जब एम टोट होगा तो के इजल टू एन होगा के माइनस एन वन के होगा जीरो हो जाएगा सब डी एन ऑन डी टी इज्वल टू आर एन हो जाएगा ये ध्यान रखना मतलब ठीक है ये पूछ लेंगे ऐसा या फिर पूरा फॉर्मूला भी कई बार लिख के देंगे तो आप कर देना फिर से वो ये के क्या है आर क्या है तो आपको पता ही है फिर लिखा द ग्रोथ मॉडल इज रियलिस्टिक तो ज्यादा अच्छा जो है वो यही है ठीक है फिर यहाँ लिखा लाइफ स्ट्री वेरिएशन पॉपुलेशन इवोल्व टू मैक्माइज रिप्रोडक्टिव एंड ऑल्सो कॉल्ड डारवीनियन फिटनेस बाबू डारवीनियन फिटनेस पता क्या होता है वो ही बस रिप्रोडक्शन मतलब वो फिट है जो रिप्रोडक्शन करके अपनी करेक्टर्स को अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उनको इनहेरिट कर सकते हैं दे आर फिट ठीक है fit, और जो बहुत सारी प्रोजनिक को जन्म देते हैं उनमें से फिर सेलेक्शन होगा ये है डरविन इन फिटनेस और वो जो पैदा हुए हैं उनमें भी यही करेक्टर है कि वो आगे भेज सकते हैं ये <coughs> अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सेलेक्शन प्रेसर सेलेक्शन प्रेसर होता है इन्वायरमेंटल वगैरह चीज़ें मतलब जो जो वहाँ हो रहा होता है वो वाली चीज़ें ऑर्गेनिम इवोल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशेंट रिपोक्टिव स्ट्रैटी तो कोई भी ऑर्गेज जो है वो मोस्ट एफिशियंट रिपोक्टिव स्ट्रैटी बजायेगा तो इसमें बाबू इसमें छुपी हुई चीज़ है के सेलेक्टेड स्पीसीज़ और आर सेलेक्टेड स्पेसीज़ टाइम हो तो गूगल करके देख लेना आर स्पीसीज आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड ठीक है अगर वक्त लगे तो कहीं देख लेना ऐसे ही सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जो जीवन में एक ही बार या एक बार जो है वो संतान पैदा करते हैं तो ये सवाल आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा मार्क कर लेना पेसिफिक सलमन फिश एंड बैम्बू ये एक ही बार जो है जन्म देते हैं वाइल अदर ब्रीडिंग मैनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मोस्ट बर्ड एंड मैमल बर्ड एंड मैमल जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग कुछ जो है ज़्यादा संतान पैदा करते हैं छोटे साइज़ की एंड वाइल द अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज तो जैसे कि बर्ड और मैमल में संतान बड़ी होती है पर नंबर कम होता है विच इज द डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस इकोलॉजी सजेस्ट दट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन लाइफ हिस्ट्री ट्रिएट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवल्व इन रिलेशन टू द कॉन्स्टेंट इपोज बाय द ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। मतलब ये जो है आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड जो है स्पीसीज जो है किसका मतलब ये किस बात के मतलब क्या चीज है जो इसको मत, जो जिसकी वजह से ये होते हैं वो चीज़ है बायोटिक और ए बायोटिक कम्पोनेंट और दबिटेड इन विच दे लिविव इन्वाल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड इन डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली एरिया ऑफ रिसर्च अलॉन्ग बींग कंडक्टेट बाई देकोलॉजिस्ट ठीक है चलते हैं नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंट्रेक्शन यही एक चैप्टर में एक काम की चीज़ है जहाँ से दो सवाल बनाने की संभावना बनेगी तो यहाँ हम चार पांच चीज़ें पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म कॉम्पिटिशन कॉमनसेलिज्म एमेंसलिज्म इस तरह से पॉपुलेशन इंट्रेक्शन पढ़ेंगे एक्चुअली पॉपुलेशन के सदस्य जो होते हैं उनके बीच में क्या क्या कंट्रेक्शन होते हैं तो पहला पैराग्राफ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ ये वाला क्योंकि यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता मैंने कई बार पढ़ के देखा हुआ है ठीक है तो हमें फालतू तो चीज़ें नहीं पढ़नी है ये मत पढ़ना टाइम वेस्ट जाएगा आप यहाँ सीधा सीधा पढ़ोगे यहाँ ये टेबल एक बार ध्यान से सुनोगे जैसे मैं समझाऊंगा उसको ऐसे ही समझना है ठीक है देखो सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में एक बात ध्यान रखना दोनों मेंबर्स को साथ रहना होता है ये बात ध्यान रखना म्यूचुअल रिलेशन वही होगा जिसमें दोनों मेंबर साथ रहेंगे और दोनों को फ़ायदा होगा फ़ायदा दोनों को कोऑपरेशन में भी होता है जो यहाँ नहीं दिया है <coughs> तो प्रोटो में भी होता है मतलब वो प्लस प्लस होता है वो भी उसमें पर दोनों मेंबर के साथ नहीं रहना होता मतलब तो जरूरी नहीं कि दोनों साथ रहे ये वाली बात है फिर है कॉम्पटिशन दोनों को नुकसान होगा ध्यान रखना फिर प्रडिशन है एक को प्लस होगा फ़ायदा एक को नुकसान होगा पैरासिटिज्म भी प्लस माइनस होगा कॉमनसलिजम जरूर याद रखना बच्चे भूल जाते हैं कॉमनसलिज्म में एक मेंबर को प्लस जाएगा एक को जीरो जाएगा मतलब कॉमनसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा और एक को ना फ़ायदा ना नुकसान उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है ठीक है वो फ्री है आराम से एमेन्सलिजम के बारे में किताब में नहीं लिखा है तो आप देख लो माइनस जीरो रिलेशनशिप है एक को नुकसान एक को ना नाफायदा नुकसान एमनसिलिज्म का एग्जाम्पल कभी भी कभी भी आएगा तो वो पेनिसिलियम का आता है <क्षट> पता है क्या कहते हैं पेनिसिलियम में ये कहते हैं कि भाई पेनिसिलियम जो है फंगस वो एक एंटीबायोटिक बना रहा है पेनिसिलिन और वो जा करके किसी बैक्टीरिया को मार देती है तो ये क्या है ये अमेनसलिज्म है इसी तरह से एक जो अखरोट होता है ना अखरोट उसके प्लांट में से भी जड़ों में से रूट में से एक केमिकल निकलता है जुगलोन निकलता है वो भी ऐसा ही होता है ठीक है <coughs> तो चलो नेक्स्ट है ये मार्क कर लेना जरूर है मैंसेलिज्म ध्यान से बहुत दीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म तो ये कहानियाँ मैं नहीं पढ़ूंगा भाई ये तो पढ़ लेना बाद में हम सीधा सीधा कहाँ से पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि ये तो वही है जो टेबल में लिखा हुआ है <coughs> अब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे अगर अब तक नहीं सुना तो क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें आएंगी ठीक है लिखा है वट हैपन टू द ऑल द एनर्जी फिक्स बाय द ऑटोट्रॉपिक इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल टू इट कह रहे अगर प्लांट क्या करेंगे अगर मान लो कोई खाने वाला ना हो तो यू कैन थिंक अ प्रोडेशन इज नेचर स्वीट टू ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द हाइर ट्रॉपिक लेवल तो पहला सवाल ये आएगा नीट में कि प्रोडेशन नेचर में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ट्रॉपिक लेवल पहले से दूसरे दूसरे से चौथे पांचवें छठे ऐसे ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है प्रेडेशन इसके अलावा ये कुछ नहीं ठीक है जैसे आप गाजर खा रहे हो तो भी हो रहा है ऐसा आप दही खा रहे हो तो भी आप आलू खा रहे हो तो भी आप टमाटर मुर्गा कुछ भी खा रहे हो तो वैसा ही होगा मतलब आप एक टॉपिक लेवल से लेकर के दूसरे को भेज रहे हो बस ये भी हो रहा है ये प्रेडिशन ही है अगर आप गाजर भी खाते हो ना तो प्रेडिशन है क्योंकि मार के खा रहे हो समझ रहे हो ना ये एंड वेन द थिंक ऑफ प्रेडेटर अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रेडेटर के बारे में सोच के लोगों के दिमाग में ना केवल एक ही चीज़ आती है कि भाई टाइगर और डियर है टाइगर उसके पीछे भाग रहा है ऐसा नहीं है यहाँ ये लाइन नीट में आएगी कि बर्ड स्पैरो ईटिंग एनी सीड अगर स्पैरो सीड खाती है तो वो भी एक प्रेडेटर होगी ये नीट में आएगा ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेटली एज हर वी बोर दे आर इन ब्रोड इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट इन प्रेडेटर तो प्लांट वही है अगर आप मान लो हर वी बोर्ड हो तो भी आप क्या कर रहे हो प्लांट को मारते हो और फिर खाते हो तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया हो क्या है प्रेडेटरी हो आप भी खुद क्या हो प्रेडेटरी हो ठीक है फिर लिखा है बिसाइड एक्टिंग एज ए कॉन्ड्यूट कॉन्ड्यूट का मतलब होता है चैनल कह रहे कि प्रोडेशन जो है वो एनर्जी ट्रांसफर का तरीका होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कहते हैं प्रेडेशन से एनर्जी ट्रांसफर तो होते ही है परंतु प्रेडेशन के और भी रोल हैं जैसे कि नंबर वन रोल पहला पहला रोल यहाँ से शुरू होता है यहाँ से दे की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल्ड ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं ठीक है प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब ये है कि अगर प्रेडेटर नहीं होगा जैसे कि आपको पिटाई नहीं होती तो आप पढ़ते नहीं होना ये वाली चीज़ है तो कंट्रोल में नहीं रखने वाला है तो कोई कितना बढ़ जाएगा तो प्रे प्रे जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर प्रेडेशन नहीं होगा ठीक है तो ये अपना अपने वाले को कंट्रोल में रखते हैं बट फॉर प्रिडेट प्रे स्पीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कभी कभी क्या होता है प्रे इतनी संख्या बढ़ा लेता है बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे तो खाया जा रहा है तो मैं अपना ज़्यादा बढ़ा लूँ तो उसे उससे क्या होता है इको सिस्टम हो जाती है ये भी सवाल बनेगा यहाँ से यहाँ बहुत सवाल है भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना वैन सर्टेन एग्जॉटिक स्पीसीज जब आपसे किसी एक्जॉटिक स्पीसीज को ला करके किसी एक नए इकोसिस्टम नए जियोग्राफिकल एरिया में छोड़ देते हो ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ उसका प्रेडेटर तो है नहीं तो जब वहाँ उसका प्रेडेटर नहीं है ना तो पता क्या होता है वहाँ वो बढ़ जाता है क्योंकि खाएगा मजे मारेगा कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं तो ये कह रहे कि दे बिकम इन्वेस्टिव एंड स्टार्ट स्टार्टिंग फास्ट टू द एरिया बिकॉज द इनवेटेड लैंड डू नोट है तो ये एग्जाम्पल यहाँ से मार्क करना है द प्र्लीपियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन टू ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली नाइनटीन ट्वेंटीज़ कोज हैवोक बाई स्प्रेडिंग रेपिडली इन टू द मिलियंस ऑफ एक्टियर तो वही ऑस्ट्रेलिया में पता क्या हुआ ये था प्रिक्लिपियर कैक्टस ये बढ़ गया बिना मतलब ही मतलब क्योंकि कोई था तो था नहीं, फिर वहाँ पर वहाँ पर फिर वहाँ पर एक कैक्टस फीडिंग प्रिडेटर छोड़ी गई है मौत जो इसकी प्रिडेटर थी तब जा करके ये कंट्रोल में आया तो ये सवाल यहाँ से बना लेंगे पूछ लेंगे कौन किसका प्रडेटर है ऐसा फिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड मतलब जो बायोलॉजिकली अगर आपने पीछे पढ़ा है बायोलॉजिकली अगर आप अपने खेत में इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको प्रडेशन पता होना चाहिए है ना तभी तो करोगे एंड पेस्ट कंट्रोल मेथड जो है वो इस पर डिपेंड करता है प्रडेशन पर ही बायोलॉजिकली अगर आप पेस्ट को कंट्रोल करते हो तो वो प्रडेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन किसे खाता है तब आप कर पाओगे प्रिडेटर ऑल्सो हैटेनिंग द स्पीसीज दूसरा पॉइंट ये है कि प्रीडेटर जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं किसी कम्युनिटी में ये बहुत अच्छा सवाल है बहुत बढ़िया मेरे को लगता है ये तो ये कह रहे हैं कि कैसे करते हैं तो ये क्या करते हैं उनके बीच में कंपटीशन कम करते हैं जैसे कि मान लो तीन तरह के चार तरह के प्रे हैं उनके प्रिडेटर भी हैं और चार तरह के प्रे हैं तो भाई उनको सबको खाया जा रहा है उनकी संख्या कंट्रोल में करी जा रही है तो ज़्यादा वो लड़ नहीं रहे हैं आपस में ठीक है ना मतलब सबको डांट पिटा के बैठा रखा है सबके ऊपर कोई है तो वो आपस में लड़ाई नहीं कर रहे रिसोर्स के लिए और संख्या में भी कम है कह रहे अगर यह लिखा है इन द रोकी इंटर टाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसेफिक को स्टार फिश पिजास्टर ये ये आप मांग करोगे कह रहे स्टार फिश डिजास्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है और अगर आप स्टार फिश डिजास्टर को यहां से हटा दो कह रहे थोड़ी देर के लिए हटा दो वैसे मुश्किल है हटाते नहीं पर एक्सपेरिमेंटली इफ यू रिमूव फ्रॉम द एरिया दैट द डिजास्टर फिश दै डिजास्टर स्टार फिशूव फ्राम देयर दैन वी सी देयर दैन वी सी द मोर देन टेन स्पीसीज ऑफ द इनवर्टिव ब्रेट ये नीट में आएगा यहाँ से इस तरह आता है अंदर अंदर से पूछेंगे यहाँ यहाँ से <coughs> दस स्पीसीज इन्वर्टिव ब्रेट की एक्सटिंक्ट हो जाती है विद इन एयर बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंटरस्पैसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से बेचारी दस स्पीसीज गायब हो जाएंगी समझ आई <coughs> फिर लिखा है इफ द इफ ए प्रेड टू एफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लोर्ड स्प्रे मतलब अगर प्रिडेटर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है वो सारा प्रे खा लेगा तो सारा प्रे खा लेगा तो फिर कल क्या खाएगा तो प्रेडिटर ना चतुर होते हैं वाई द प्रिडेटर इज प्रोडेंट इन नेचर प्रिडेटर प्रोडेंट क्यों होते हैं क्योंकि भाई वो पूरा नहीं खत्म करते वो उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन करें और संख्या बढ़ाएं ये है लिखा है कि दिस इज द रीजन वाई द प्रिडेटर आर वेरी प्रोडेंट एंड प्रे हैव वेरियस है टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि भाई प्रे ने भी ना पता नहीं कई जुगाड़ बना लिए हैं बचने के तो आगे बढ़ेंगे हम प्रे ने अपने आप को कैसे बचाया जा रहा है प्रोडक्शन से ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे लिखा है कि सबसे पहले तो आप देखोगे कि क्रिप्टिकली कलरेशन पहला पॉइंट ये है जिसे आप कहते हो कॉम्फ्लेग कैम्फ्लेग या मिमिक्री या फिर क्रिप्टिकली कलरेशन बोलते हैं इसको यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग के जैसा अपना कलर बना लेगा मतलब ऑर्गेनिज्म अपना कलर सराउंडिंग के जैसे कर ले तो उसका प्रिडेटर जो है पहचान नहीं पाएगा और फिर खा नहीं पाएगा ठीक है ना बच गया बेचारा फिर लिखा है कि सम प्रिडेटर सम प्रिटर आर पॉइजनस कुछ क्या है पॉइनस है जैसे कुछ प्रेडे, प्रेडेशन प्रे ने पता क्या क्या कुछ प्रे ने अपने आप के अपने अंदर ना पता क्या बना लिया ऐसा पॉइजन जैसा कुछ मैंने क्रिएट कर लिया किसी तरह से तो उनके प्रेडेटर उन्हें खाते ही नहीं फिर ये वाली प्रॉब्लम है देखो यहाँ लिखा है कि एंड देर फोर अवॉइडिड बाई द प्रिडेटर द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू दिस प्रेडेटर तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिसटेस्टफुल है अपने प्रिडेटर के लिए जो उसकी बर्ड है ये सवाल भी है भाई हम कि मोनार्क बटरफ्लाई का प्रेडेटर कौन है ऐसा सवाल पूछेंगे तो बताओ कि बर्ड है ऐसा ध्यान रखना लेकिन बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई इक्वायर द केमिकल ड्यूरिंग इट्स लारवाटलपिलर स्टेज तो क्या करती है बैटर का जो लार्वा होता है कैटरपिलर ये भी सवाल है और वो क्या करता है वो एक पॉइजनस वीड कैलट्रॉपिस को खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर पॉइजन हो जाता है और फिर उसके प्रेडेटर उसे खा नहीं पाते ये ध्यान रखना ठीक है फिर लिखा है फोर प्लांट बेचारे प्लांट तो ज़्यादा ही दिक्कत में आए क्यों होता क्यों भाग भी नहीं सकते वो तो उनको तो खाया जाएगा लिखा है फोर प्लांट हर बी वर्ड्स आर द प्रेडेटर सही बात है तुम भी प्रेडिटर हो नियरली टी फाइाव पर ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइट ऑफेगस पच्चीस परसेंट इन्सेक्ट फाइट ऑफेगस हैं ये नीट में स्टेटमेंट आएगा मार्क कर लो द प्रॉब इज प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर ऑफ द प्लांट प्लांट के लिए खतरा ज़्यादा है बेचारे वो भाग नहीं सकते ये ध्यान रखना ये एसरसन रीजन बना लेंगे यहाँ से मुझे लगता है ऐसे इन प्लांट देयर फॉर हैवी वोल्ड एन एस्टोनिशिंग वैराइटी ऑफ मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्वी बोर्ड्स प्लांट ने कहा कि लो भाई हम भाग तो सकते नहीं है हम अपने अंदर ऐसे चेंज कर लेंगे कि तुम कुछ ही कर लेना खा नहीं पाओगे देखो सबसे पहले थोन बना लिया कांटे okay, कैक्टस में आर द मोस्ट कॉमन कॉमनॉजिकल डिफेंस मैनी प्लांट प्रोड्यूस स्टोर केमिकल दैट मेक सिक दे आर बाईस इनबिट फीडिंग ऑन डाइजेशन डिस्टर्ब रिप्रोडक्शन और इवन किल इट यू मस्ट हैव सीन द यहां से मांग करोगेट्रॉपिस पर जो है नहीं देखा होगा कोई खाते हुए क्योंकि कैलोट्रोपिस के अंदर एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो कि आपको कैटल को भी मार देगा बीमार कर देगा ठीक है तो ये ध्यान रखना कि भैया कैलोट्रोपिस के अंदर होता है कार्डियक कार्डियलाइकोसाइड ठीक है फिर लिखा है वाइड वेरायटी ऑफ केमिकल्स विस्तान जैसे कि निकोटीन कैफीन क्विन स्ट्राटनिन ओपियम ये सब जो होते हैं प्लांट के अंदर पाए जाते हैं ये प्लांट तुम्हारे लिए नहीं बनाता ये बनाता है प्लांट बेचारा बचने के लिए डिफेंस है उसका ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट है कॉम्पटिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ठीक है चलो देखते हैं लिखा है कॉम्पिटिशन तो ये भाई इसमें बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना भी अपने जब पढ़ोगे ठीक है डार्विन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस तो पहली बात तो ये कि डार्विन ने किस पे काम किया था स्ट्रगल फॉर डार्विन का पॉइंट है नोट कर लो ये दोनों पॉइंट डार्विन के दोनों पॉइंट भाई बहुत बड़ा सवाल है ये अपने अपने आप में ना डार्विन की थ्योरी के पॉइंट हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इनटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ऐसा ही वॉज कन्विंस डेट ये है कि डार्विन पता क्या करते है डारविन कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन पोटेंट फोर्स है इवोल्यूशन का कैदे इंटर अगर दो अलग अलग जातियों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तब इवोल्यूशन होगा एंड इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कॉम्पिटिशन अगर वैन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स और कहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन तब होता है जब दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं जैसे मान लो हमसे जुड़ा हुआ कोई और हमारी जैसी स्पीसी होती और वो एक ही चीज़ के लिए लड़ रहा होता तो, तो मान लेते हैं कि कंपटीशन होगा मतलब तब इवोल्यूशन होगा लेकिन हम और हमारे में और भैंस में हमारे में और दूसरे में क्या कंपटीशन ऐसा लेकिन नॉर्मली देखो ये मानते थे कि इंटर स्पैसिफिक कम्पटिशन ही फोर्स है जो इवोल्यूशन कराता है लेकिन इंट्रास्पेसिफिक भी होता है भाई एक ही स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है और उसके जैसी में भी होता है तो लिखा है कि भाई जनरली ऐसा माना जाता है कि सेम स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है ना वही एक रिसोर्स के लिए लड़ेंगी एंड दैट इज लिमिटिंग वो लिमिटिंग होगा बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू कह रही फिर हमेशा ये सही भी नहीं है हमेशा ये भी सही नहीं है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटन होता है हमेशा ये भी सही नहीं कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट करते हैं हमेशा ही सही नहीं है पर नीचे फिर एग्जाम्पल दिया है जैसे अजीब है थोड़ा ध्यान से देखना कह रहे हैं कि भाई फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज जो स्पीसीज बिल्कुल ही अनरिलेट करती है कूड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स तो ये तो हो गया इंटर स्पैसिफिक कॉम्पिटिशन क्या हुआ भाई जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो भी एक चीज़ के लिए लड़ रही हैं तो इंटरस्पेसिफिक हुआ फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगो एंड रेजिडेंट फिश दोनों विजिटिंग फ्लैमिंगो भी बर्ड भी और रेजिडेंट फिशेस भी दोनों जू प्लैंगटोन खाती हैं तो ये तो इंटरस्पेसिफिक हो गया है ना और इसकी वजह से इवोल्यूशन होगा कुछ तो होगा चेंज है ना दूसरा सेकेंडली ये बहुत अच्छा है अगले वाला सेकेंडली रिसोर्स नीड ये नीट में आएगा रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग टू अगर लिमिटिंग फॉर द कम्पिटिशन टू अगर कह रहे रिसोर्स का होना और ना होना ही जरूरी नहीं कम्पिटिशन होने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन तब होगा जब रिसोर्स कम होगा नहीं ये कह रहे हैं एक एग्जाम्पल देखें कि कम्पटिशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्स पूरा हो भले ही दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज भी हैं पर कॉम्पटिशन रिसोर्स पर डिपेंड नहीं करता ऐसा कह रहे हैं और ये सिद्ध भी कर देंगे इसे कह रहे हैं इंटरफेरेंस कम्पिटिशन ये आप मांग करो ये किताब में हेडिंग बनेगा यहाँ से इन इंटरफेरेंस कम्पटीशन द फीडिंग एफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू देयर इंटरफेयरिंग इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर मतलब ये कह रहे हैं कि रिसोर्स पूरा भर भर के था कोई दिक्कत नहीं है पूरा रिसोर्स था तो पता क्या हुआ अगर वहाँ कोई दूसरा तुमसे बड़ा खाने वाला आ जाए तो तुम तो खाना छोड़ दोगे ना ये है इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन तो इसमें डिपेंड ये नहीं, नहीं करता कि तुम्हारे पास खाना था नहीं था खाना तो बहुत था पर तुम खा ही नहीं पा रहे तो डर हो डर गए हो मतलब उससे डरा डर गए हो उस दूसरे से जो वहाँ तुमसे सुपीरियर आ गया ऐसा इसको कहते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन फिर लिखा है एंड देर फॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज जिसकी आर ज़्यादा है ना वो जीतेगा है ना इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अदर स्पीसीज तो एक की आर दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाएगी यही कॉम्पिटिशन है इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डेमोस्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बाय द गोस तो गोस जो थे गोस ने पैरामिशियम पर मैं याद कर लेना अगर आपको करना हो तो पैरामीशियम पर गोस ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने दो अलग अलग स्पीसीज पैरामिशियम की एक ही मीडियम मिली थी जो कि क्लोज रिलेटेड थी क्योंकि पैरामिशियम ही था तो उसने देखा कि एक स्पीसीज कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है जैसे कि वेन द रिसोर्स आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली डोमिनेट और इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर तो पहले जो सुपीरियर होगी वो जीत जाएगी और बेचारी वो दूसरे वाली खत्म हो जाएगी बट इविडेंस फॉर सच कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन इन नेचर इज नॉट ऑन कंक्लूसिव तो ये कह रहे हैं कि हमेशा नेचर में ऐसा देखने को नहीं मिलता खत्म नहीं होते तो फिर क्या होता है वो आगे बढ़ेंगे स्ट्रोंग एंड प्रसिव सरकमटेंशल इविडेंस डज एग्जिस्ट होवर इन सम केसेज द एबिंगडन यहाँ से मांग करो अबिंग डन टोटो इज इन गैलापागोस आईलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेट आफ्टर गोड्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आईलैंड ये पता क्या है ये कह रहे हैं ये सुपीरियर वाले आगे कौन गोट्स और बेचारे टोटोज गए तो ये देखो क्या लिख रहे हैं कि भाई अब इन गैलापेगोस आइलैंड गैलापैगोस आइलैंड पर था कौन है डार्विन गया था यहाँ पे बिकम एक्सटेंट विद इन द आफ्टर गोट्स वोड्यूस इन द आईलैंड अपेन्टली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशियंसी ऑफ द गोट्स अनदर एविडेंस फॉर ऑफ कॉम्पिटन ये अब ये बता रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होता है मतलब इन एग्जाम्पल से ये सेट कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होता है एक और एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव रिलीज आपको समझाएंगे मतलब इससे भी आप यही समझोगे कि कॉम्पिटिशन होता है एक्चुअली ये समझा रहे हैं जैसे कि ये कह रहे हैं कि किसी जोग्राफिकल एरिया में सुपीरियर वाला जो आ जाए कोई तो उसकी वजह से पता है क्या होता है उसकी वजह से होता है कि जो इन्फीरियर वाला है ना वो बेचारा एक कोने में लग जाएगा ठीक है तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एरिया में से सुपीरियर स्पीसीज़ को एक्सपेरिमेंटली हटा दें वैसे ऐसा होता नहीं पर अगर हटा दें तो ये कह रही है कि इन्फीरियर वाला बढ़ जाएगा ऐसा <coughs> ये ऐसा है तो ये कह रही है कि इसका मतलब फिर कंपटीशन था कंपटीशन <coughs> था यही जानने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि कह रहे हैं कि द स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली वेन द कॉम्पिटिंग स्पेसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूवड यहाँ से मार्क करोगे बेटा कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बैरिकल डोमिनेट दलूड द स्मॉलर कैथेमैल इसकी वजह से कौन गई कैथेमैलस चली गई अगर आप ये हटा दो मान लो सुपीरियर वाले को आप हटा दोगे तो आप देखोगे कि फिर वह बढ़ जाएंगे कैथेमेलस ठीक है तो ये कॉम्पिटेटिव रिलीज होगा समझ आई ऐसा जनरल हर्बीवोर प्लांट पेयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाई द कॉम्पिटिशन वही बात है बेचारे वो खड़े हैं भाग नहीं सकते ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल फिर से बोर्ड में आता है बहुत कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये पता ही कैसे कहता है ये कहता है कि दो ये बस इसमें एक बात है बस यही इसमें ये वर्ड ना होना चाहिए पेपर में हमेशा ये जरूर होना चाहिए दो क्लोजली स्पेसीज ये ये इसके बिना ये गलत है दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज अगर एक ऐसे एरिया में रहती हैं जहाँ रिसोर्स लिमिटेड है जहाँ रिसोर्स ज़्यादा नहीं है तो उनमें से एक इन्फीरियर वन इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी ये एक्सक्लूड हो जाएगी ऐसा लेकिन रिसोर्स लिमिटिंग होना चाहिए तब लिखा है मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच क्रोस जर्नलाइजेशन आजकल लोग कहते हैं ऐसा नहीं, नहीं होगा भाई वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर दे पॉइंट आउट दैट स्पेशज फेसिंग कॉम्पिटिशन जो स्पेशीज कॉम्पिटेशन फेस करती है ना वो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बना लेगी बचने का तरीका तो बचने के तरीकों कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग ये भाई मैं मैं अपना खाने का टाइम बदल लूँगा मैं पैटर्न बदल लूंगा पर मैं रहूँगा ही तो ये डार्विन की जो फिंचज पड़ी इवोल्यूशन में उन्होंने अपनी बीक का पैटर्न बदल लिया पर रहेंगे वही ऐसा इफ टू स्पीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग खाने का टाइम बदल लो ग्राइजिंग हैबिट बदल लो फिंग पैटर्न बदल लो तब बच जाओगे इसे कहते हैं रिसोर्स डार्विन फिंच ने भी यही किया था दैट फाइव क्लोज रिलेटेड ऑफ भैया मैकारतुल ने कहा भैया पांच स्पीसीज जिन्होंने एक ही पेड़ पर रहते हुए खाने का टाइम टाइम बदल के जगह बदल के अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया तो, तो दिस इज कोल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग समझ आया ना ये नेक्स्ट है पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म कंसीडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ Ensuring the free <coughs> lows in meal, khana, pina free, maje, maro. And it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrates. Many parasites have evolved to host specific and they can parasitize only a single species in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or reselecting.

लीवर <coughs> ये आपका उसकी क्लास है की ये याद करना है बहुत बढ़िया सवाल बनेगा एंड द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर दैक्टर टू स्प्रेड टू दस्ट मेजोरिटी हार्म द होस्ट दे मे बी द सर्वाइवल पैरासाइट क्या करते हैं उसकी सर्वाइवल को ग्रोथ को रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं पॉपुलेशन के उसके इंडिविजुअल के द द मोस्ट माइडर वर्नरेबल टू द द्रिडेशन मतलब वो उसको इतना वीक कर देते हैं कि फिर उसका ब्रिडेशन होगा डू यू बिलीव दैट एन आइडल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राई विद इन द हो विदाउट हार्मिंग नहीं ऐसा नहीं हो सकता ठीक है फिर है पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल ऑफ होस्ट बाहर रहने वाले एक्टो रहते हैं अंदर वाले कहलाते हैं एंडो पैरासाइट तो यहां एग्जाम्पल दिए हैं एक दो याद कर लो टिक्स ऑन डॉक्स एक्टो का एग्जाम्पल है और मैराइन फिशिज के ऊपर रहती हैं कोपोर्ट्स ये तो का एक तो क्या एग्जाम्पल है कुस्कुटा प्लांट जो है वो पाया जाता है हेज प्लांट के ऊपर कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल कहते हैं इसे ये आपका टोटल स्टैम पैरासाइट है ये सवाल आएगा ठीक है टोटल स्टैम पैरासाइट पूछेंगे तो मार्क कर लेना है, कुस्कुटा हैज लोर्ड्स इस क्लोरोफिल एंड लीव द अकरेंस ऑफ इवोल्यूशन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कह रहे कि भाई कुस्कुटा ने इतना मजा आ गया इसका ये खारा पीरा है आराम से हैज प्लांट के ऊपर इसने अपना क्लोरोफिल भी ख़त्म कर लिया किले पड़ा मैं तो खाऊंगा बस

मतलब ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा संतान पैदा करते हैं फिर होते छोटे छोटे ही ऐसा फिर ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है ब्रूड पैरासिटिज्म का ये पढ़ लेना मतलब इसमें ऐसा होता है कि कोयल जो है एक्चुअली बस इसमें जो समझने की बात ये है आप याद कर लेना कि कोयल जो है ना पता क्या हुआ ये कोयल जो है वो अपने अंडे कोवे के घोंसले में रख देती है यही सवाल है समझने का है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कि कोयल ने अपने अंडे कोवे के अंडों की शक्ल के बना लिए एवोल्यूशन के दौरान और उनको कोवे के अंडे घोंसले में रख देती है जिससे कि जो क्रो होता है वो उसको हैचिंग कर देता है ये सवाल आता है पूछ लेंगे ध्यान से पढ़ना किसके अंडे किस में तो कोयल के अंडे कोवे के घोंसले में जाएंगे ये ना गलती करना ठीक है <coughs> इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म नेक्स्ट है कॉमनसेलिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें प्लस जीरो रिलेशनशिप है प्लस जीरो एक को फायदा एक को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर द ना इधर बेनिफिटेड और यहाँ से एग्जाम्पल लर्न करने हैं सीधे सीधे बस जैसे कि ओरकिड ग्रोइंग ऑन द ट्री ब्रांच ऑफ द मैंगो ठीक है यह याद करना है एंड बैरनिकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल ये याद करना है ना तो मैंगो को फ़ायदा हो रहा ना वेल को हो रहा फ़ायदा फिर एक माफ कर लो कैटेग्रेट ये कह गांव में आपने देखा होगा कि जो कैटेग्रेट होता है बर्ड वो गाय के पीछे पीछे चलता रहता है गाय के पैर लगने से जमीन में से इंसेक्ट निकलते हैं कैटेलाइग्रेट उसे खा लेता है तो गाय को तो जीरो है और प्लस है कैटेलाइग्रेट को ठीक है ऐसा है फिर यहां से मार्क करना है आपको यहाँ से <coughs> ये कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सी एन के जो टेंटिकल्स होते हैं उनके अंदर आकर के क्लोन फिश छिप जाती है और क्लोन फिश को अपना बच जाती है अपने प्र से और सी एनिमोन को तो कोई मतलब ही नहीं है कौन क्यों आया है तो ये है कि बस वो अपने क्लोन फिश अपने से बच जाती है एनिमोन के टेंटिकल में छुप के तो ये प्लस जीरो हुआ ठीक है चलो नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन द बहुत इंट्रैक्टिंग स्पीसीज लाइक इन रिप्रेजेंटिंग द इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड दिन एल्गी यानी कि लाइकेन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है दोनों में फ़ायदा होता है दोनों को मजा है दोनों खाएंगे पिएंगे मतलब एक खाना बनाएगा एक रखेगा बाप यहाँ पर लाइकेन में फंगस है मतलब जो राजा है वो फंगस है और जो स्लेव है वो है एल के एलगी रिपोडक्शन नहीं कर सकता फंगस ही रिप्रोडक्शन करता है द माइकोराइजा इसी तरह से माइक्राइजा जो होता है वो फंगाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट के बीच में एसोसिएशन होता है वहाँ पर फंगस जो है एब्जॉर्ब करके चीज़ें प्लांट को देता है और प्लांट फंगस को खाना देता है तो ये मार्क कर लेना कि वो एनर्जी एल्डिंग कार्बोहाइड्रेट लेता है प्लांट से और प्लांट को देता है फोस्फोरस तो यहाँ पर तो दिया नहीं एब्जॉर्बशन ऑफ मिनरल है फोस्फोरस आएगा सवाल में ठीक है ध्यान रखना है नेक्स्ट है द मोस्ट पैक्टिकुलर इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल म्यूचुअल इन फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप जैसे कि किसी के पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं तो मैं, मतलब उनमें ऐसा होता है कि वो उसका ही पोलिनेशन करेगा तो वो को इवॉल्व होते रहते हैं साथ में लिखा है प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पोलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फी फॉर द सर्विस दैट प्लान एक्सेप्ट फ्राम दैम प्लान ऑफर रिवार्ड प्लान उसे खाना पीना देता है रिवार्ड और फीस देता है कि भैया मेरा पोलिनेशन करा दो वो जूसी न्यूट्रीशस फ्रूट्स देता है और उसको सीड डिस्पर्स को उनको देता है पोलिन ने पोलीटर्स को पर द म्यूचुअली बेनीफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो भी सेफ गार्डेड अगेंस्टीटर्स पे होते हैं जो कराते कुछ नहीं और खापी के भाग जाते हैं गंदे <coughs>

तो उसको भी फायदा है उसको फायदा है दिखाया था इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पोलिनेटेड ओनली बाई पार्टनर वास्प एन स्पेस इन नो अदर स्पीसीज द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली टू पोजिशन कह रहे फीमेल जो वास्प है वो केवल अपने अंडे ही नहीं रखती है भाई उसके जो लार्वा होते हैं ना वो डेवलपिंग सीड के अंदर खाते पीते भी आराम से बाद में ठीक है जब फ्रूट बन जाता है वास्क पोलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस बाई सर्चिंग फॉर सुटेबल एगलिंग साइट इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पोलिनेशन द फिग ऑफर द वास सम ऑफ इट्स एग्स सीड कि भाई तू ये भी खा ले पर मेरा पोलिनेशन करा दे बस किसी तरह से एज फूड फॉर द लेवलिंग वास लार्वे तो ये को इवॉल्व होंगे जरूर क्योंकि यार इसको मजबूरी है कि साथ रहना होगा फिर एक है ऑर्किड शो ए बिल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न मैनी ऑफ फिच है नाइट पोलिनेटर इंसेक्ट बीज और बम्बल बीस सवाल आएगा ऑर्किड का पोलिनेशन कौन कराता है बीज एंड बम्बल बीस याद कर लेना एन एंश्योर गारंटीड पोलिनेशन नोट एन ऑर्किड ऑफ रिवार्ड सारे रिवार्ड नहीं देते पर सब टेरनियन ऑर्किड मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ आयरस मार्क करो ये यह आएगा <coughs> यहाँ से पूछेंगे मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ आरस ऑफ एम्प्लॉज सेक्सुअल डिस टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी ये धोखा होता है एक तरह से वन पैटल यहाँ से सवाल आएगा कि जो ऑर्किड है उसका एक पैटल फीमेल बी की शक्ल बना लेगा ठीक <coughs> है साइज में भी कलर में भी मार्किंग में भी और उसको लगेगा मेल बी को कि ये फीमेल बी है तो वो आएगा कॉपोलेशन के लिए उसे सूडो कॉपोलेशन कहते हैं और इस चक्कर में पोलिनेशन हो जाएगा ठीक है ना और जब वो किसी दूसरे पर जाएगा तो उसका पोलन ग्रेन वहाँ पर पहुँचा देगा दूसरे वाले के पास ठीक है ये कह रहे कि हेयर यू कैन सी द कोई वोल्यूशन होगा ही अगर पेटल का कलर बदल जाता है तो फीमेल बी का भी बदलेगा भाई ठीक है ना इन द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवल्यूशन पोलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस अनलेस द द द ऑर्किड फ्लावर टू टू मेंटेन ऑफ पेटल फीमेल बी तो यहाँ पेटल जरूर याद रख लेना भाई ठीक है तो ये हो जाता है चैप्टर समाप्त नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से नए सिलेबस के हिसाब से नीट में यही आएगा सभी चैप्टर की समरी जरूर पढ़ लेना आप लोग खुद से और ट्वेल्थ क्लास का केवल एक चैप्टर बचा हुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला उसका वो भी कल आ जाएगा जरूर चैनल पर और इलेवेंथ क्लास चल रही है जहाँ सातवां चैप्टर जो कि आपका एनिमल टिश्यू वाला है वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी ही जल्दी हम इलेविथ खत्म कर लेंगे दो दो चैप्टर की वीडियो लगातार मैं बनाने वाला हूँ अब कल से दो दो बनाऊंगा रोज तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कर देना लाइक कर देना अच्छा लाइक कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना वो तो आप कर ही दोगे थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए टेक केयर और डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना चीज़ें ठीक है थैंक यू बाय बाय टेक केयर